लेट अस स्टार्ट अ सेशन। तो आज के सेशन में हम 14th एंड 15th मई के करंट अफेयर्स को पढ़ने वाले हैं, जैसे कि नासा प्लान्स टू बिल्ड फर्स्ट रेलवे स्टेशन ऑन मून जिसका नाम है फ्लोट, देन जापान ने जीती अपनी पहली सुल्तान अजलान शाह हॉकी ट्रॉफी। सो लेट अस लर्न ऑल दिस करंट अफेयर्स टुगेदर। फर्स्ट इज यूनेस्को एड्स 3 इंडियन लिटरेरी मास्टरपीसेस टू मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर। अगर हम यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में। ये यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो प्रमोट करती है वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी को थ्रू इंटरनेशनल कॉपरेशन इन एजुकेशन आर्ट्स साइंसेस एंड कल्चर्स। तो इसी ऑब्जेक्टिव पे बेस्ड यूनेस्को कुछ लिस्ट पब्लिश करती है, जैसे कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। इस पर तो हमने एक सेपरेट क्लास भी बनाई हुई है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। तो इंडिया में टोटल 42 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जैसे कि अजंता लोरा केव, शांति निकेतन, ताजमहल, ये सारी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। उसके बाद यूनेस्को की एक और लिस्ट आती है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी, जिसमें टोटल 15 हेरिटेज है, और लास्ट टाइम गरबा को ऐड किया गया था एज 15th इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। तो ये दोनों लिस्ट यूनेस्को पब्लिश करता है, एंड इसी के साथ साथ यूनेस्को एक मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर भी पब्लिश करता है। तो इसी लिस्ट में 3 इंडियन लिटरेरी मास्टर पीसेज दैट आर रामचरितमानस, पंचतंत्र, सहृदयों का लुकाना एंटर यूनेस्कोस मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर। दिस इंक्लूजन इज अ प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया, अ कंफर्मेशन ऑफ द कंट्रीज रिच लिटरेरी हेरिटेज एंड कल्चरल लेगेसी। इट इज नोटवर्थी दैट सहृदयलोका लुकाना, पंचतंत्र एंड रामचरितमानस वर ऑथर्ड बाय आचार्य आनंदवर्धन, पंडित विष्णु शर्मा एंड गोस्वामी तुलसीदास रिस्पेक्टली। तो इस पे दो तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो आपको पूछा जाएगा कि कौन कौन से इंडियन लिटरेरी मास्टर पीसेस को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में एड किया गया, उसमें आपको ये 3 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और नीचे का ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबव। तो हमने करेक्ट ऑप्शन करना है ऑल ऑफ द अबव। या तो आपको ये पूछा जा सकता है कि रामचरितमानस किसने लिखा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने, और पंचतंत्र किसने लिखा, पंडित विष्णु शर्मा ने, एंड सहृदय लोकाना किसने लिखा, आचार्य आनंदवर्धन ने। तो ऐसा क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो हमें सारे फैक्ट्स के लिए रेडी रहना है। उसी के साथ साथ हमें वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स एंड इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी को भी याद रखना है, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। नेक्स्ट इज इंडियन एयरफोर्स टेस्ट इंडियाज फर्स्ट पोर्टेबल हॉस्पिटल भीष्म फॉर एयर ड्रॉप्स इन आगरा। तो अगर हम भीष्मा की बात करें, ये इंडिया का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल है जो दिसंबर 2023 में फर्स्ट टाइम टेस्ट किया गया था इन गुरुग्राम। तो फर्स्ट टाइम इसको अनवील किया गया था इन गुरुग्राम हरियाणा इन दिसंबर 2023। अब इंडियन एयरफोर्स ने इसको अपने ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज के लिए टेस्ट किया है इंडियन एयरफोर्स ने। अगर हम प्रोजेक्ट भीष्मा की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर कॉपरेशन इंटरेस्ट एंड फ्रेंडशिप। इज वर्ल्ड फर्स्ट पोर्टेबल हॉस्पिटल, वर्ल्ड का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल है जिसको बोलते हैं आरोग्य मैत्री 8 क्यूब, जो कि 72 डिटैचेबल क्यूब से बना है। इट इंक्लूड्स मेडिकल इक्विपमेंट एंड सप्लाई सच एज मिनी ICU, ऑपरेशन थिएटर, कुकिंग स्टेशन, फूड, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर, ब्लड टेस्टिंग इक्विपमेंट एंड एक्सरे मशीन। दिस हॉस्पिटल कैन हैंडल गन शॉट्स, बर्न्स, हेड, स्पाइनल कॉर्ड, चेस्ट इंजरीज, माइनर सर्जरीज, फ्रैक्चर्स एंड मेजर ब्लीडिंग। तो हम देख सकते हैं कि ये काफ़ी सारे गन शॉट, बर्न्स, हेड, सब इंजरीज को हैंडल कर सकता है। दिस इज डिटैचेबल। तो इंडियन एयरफोर्स अपने विमान से उसको ऊपर से ड्रॉप कर सकता है हाई एल्टीट्यूड रीजन पे, जहाँ पे कार्स नहीं जा सकती, जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन डिफिकल्ट है, वहाँ पे इसको ड्रॉप करके अपने सोल्जर्स को हेल्प कर सकता है। सो दिस वॉज द ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट इज जापान विंस मेडन सुल्तान अजलान शाह हॉकी ट्रॉफी। तो जापान ने जीती अपनी पहली सुल्तान अजलान शाह हॉकी ट्रॉफी। तो द 2024 सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी वॉज द 30th एडिशन। ये 30th एडिशन था ऑफ एनुअल मेंस इन्विटेशनल इंटरनेशनल हॉकी टूर्नामेंट। तो एक मेन हॉकी टूर्नामेंट है जिसको होस्ट किया था मलेशिया ने। तो होस्ट कंट्री याद रखनी है मलेशिया। इसमें 6 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था, जापान, पाकिस्तान, कैनेडा, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड एंड द होस्ट नेशन
मलेशिया, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट हमें याद रखना है, इंडिया इसका पार्ट नहीं है, तो इंडिया ने इस ट्रॉफी में पार्ट नहीं लिया था। और आपको क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि कौन कौन सी कंट्रीज ने इसे पार्ट किया था, हम देखेंगे कि हम इंडिया तो आराम से टिक कर आएंगे, बट हमें टिक नहीं करना, इंडिया इसका पार्ट नहीं है। द फाइनल फाइनल वॉज प्लेड बिटवीन जापान एंड पाकिस्तान, जहां पे जापान ने पाकिस्तान को बीट किया बाय 3-1 इन द शूट आउट फॉलोइंग अ 2-2 ड्रॉ। तो 6 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था, जापान ने पाकिस्तान को फाइनल में हराया बाय 3-1। तो तीनों चीज हमें याद रखनी है, और इसका होस्ट है मलेशिया। नासा अनाउंसेस प्लान टू बिल्ड फर्स्ट रेलवे स्टेशन ऑन मून। तो नासा हैज अनवील्ड इट्स एम्बिशियस प्लान टू कंस्ट्रक्ट द फर्स्ट ल्यूनर रेलवे स्टेशन नोन एज फ्लोट, जिसकी फुल फॉर्म है फ्लेक्सिबल लेविटेशन ऑन अ ट्रैक, डिजाइन टू रेवोल्यूशनाइज पेलोड ट्रांसपोर्टेशन ऑन दी मून। तो किसने प्लान किया है? नासा ने। फर्स्ट रेलवे स्टेशन जिसका नाम है फ्लोट, और इसकी फुल फॉर्म है फ्लेक्सिबल लेविटेशन ऑन अ ट्रैक। सो एक रोबोटिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा, रोबोटिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम हम यहाँ पे देख सकते हैं इसका 3D डायग्राम, डिजाइन टू सपोर्ट डेली ऑपरेशन ऑन द ल्यूनर सर्फेस। सो फ्लोट इज पोज्ड टू प्ले अ पाइवटल रोल इन नासास आर्टिमिस प्रोग्राम, विच एम्स टू रिटर्न एस्ट्रोनॉट्स टू द मून फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 1972। तो लास्ट टाइम 1972 में नासा ने अपने एस्ट्रोनॉट्स को मून पे लैंड करवाया था थ्रू अपोलो 17 मिशन। तो नासा का लास्ट मिशन था अपोलो 17 इन 1972, जहां पे ह्यूमंस ने मून पे लैंड किया था। उसके बाद अभी नासा का ये मिशन आएगा, नासास आर्टिमिस प्रोग्राम, जो प्लान है टू लैंड ह्यूमंस ऑन मून इन 2026। तो 2026 में नासा ह्यूमंस को लैंड करवाएगा मून पे थ्रू नासास आर्टिमिस प्रोग्राम। ये हमेशा ही न्यूज में रहता है, तो इसको हमें अच्छे से याद रखना है, नासास आर्टिमिस प्रोग्राम। अब हम देखते हैं कुछ प्रीलिम पॉइंटर्स। सो वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024 कंक्लूड हुआ इन रोटरडैम नीदरलैंड्स। तो इतना याद रखना है कि वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट कहाँ हुआ, तो वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट हुआ इन रोटरडैम इन नीदरलैंड्स। नेक्स्ट इज नासा एंड जाक्सा फोर्ज अहेड विद सीरिज़म सैटेलाइट। तो नासा एंड जापान की जो एजेंसी है, नासा है यूएसए की एंड जाक्सा है जापान की, जैसे हमारी इसरो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वैसे ही जापान की है, जापान एरोनॉटिकल एजेंसी एंड नासा की है यूएसए। सो इन्होंने एक सीरिज़म सैटेलाइट के साथ अहेड किया है, जिसकी फुल फॉर्म है एक्सरे इमेजिंग एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी मिशन। तो फुल फॉर्म भी याद रखनी है, एक्सरे इमेजिंग एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी मिशन। तो पहले ये मिशन अबॉर्ट कर दिया गया था कुछ इंस्ट्रूमेंट ग्लिच की वजह से, बट अभी ये गो अहेड हो गया मिशन विथ सीरिज़म सैटेलाइट। तो इस सैटेलाइट का नाम याद रखना है। आर्कियोलॉजिस्ट डिस्कवर्ड एंशियंट सुपर कॉन्टिनेंट सहूल। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किया एक एंशियंट सुपर कॉन्टिनेंट जिसका नाम है सहूल, दैट फैसिलिटेटेड ह्यूमन माइग्रेशन फ्रॉम एशिया टू ऑस्ट्रेलिया अबाउट 70,000 ईयर्स एगो। तो एक एशियन सुपर कॉन्टिनेंट है जिसका नाम है सहूल, दैट फैसिलिटेटेड ह्यूमन माइग्रेशन फ्रॉम एशिया टू ऑस्ट्रेलिया अबाउट 70,000 ईयर्स एगो। तो इसमें दो तीन फैक्ट याद रखने हैं, एक तो सुपर कॉन्टिनेंट का नाम क्या है सहूल, और एक कहाँ से माइग्रेशन हुई थी एशिया टू ऑस्ट्रेलिया। तो ज्यादातर आपको ये क्वेश्चन, ये ऐसा क्वेश्चन आएगा कि आपको पूछा जाएगा कि रिसेंटली आर्कियोलॉजिस्ट ने कौन सा एशियन सुपर कॉन्टिनेंट डिस्कवर किया दैट फैसिलिटेटेड ह्यूमन माइग्रेशन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया टू, सॉरी, एशिया टू ऑस्ट्रेलिया। तो उसके ऑप्शन में सहूल होगा और बाकी कुछ ऑप्शन होंगे, तो आपको उसमें से सहूल करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। पी शाम्या निखिल फ्रॉम तमिलनाडु बिकम्स इंडियाज 85th चेस ग्रैंड मास्टर। तो दिस इज अ इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट, पी शाम्या निखिल फ्रॉम तमिलनाडु, ये तमिलनाडु से है और इंडिया के बने हैं 85th चेस ग्रैंड मास्टर। नाउ लेट अस सी द अपॉइंटमेंट्स ऑफ द डे। फर्स्ट इज एन चंद्रशेखर। सो टाटा सन के चेयरमैन है एन चंद्रशेखर, इज सेट टू अज्यूम द रोल ऑफ चेयरमैन है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स। तो अब ये टाटा इलेक्ट्रॉनिक के भी चेयरमैन होंगे एन चंद्रशेखर, जो कि टाटा सन के चेयरमैन है। अ सिग्निफिकेंट मूव दैट अंडरस्कोर्स द टाटा ग्रुप्स कमिटमेंट टू इट्स $14 बिलियन इन्वेस्टमेंट इन द सेमीकंडक्टर बिजनेस। तो पहले से ये टाटा सन के चेयरमैन है, अब ये टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के भी चेयरमैन होंगे। नेक्स्ट इज केकी मिस्त्री। सो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज अकॉर्डेड इट्स अप्रूवल फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ केकी मिस्त्री एज चेयरमैन ऑफ HDFC लाइफ इंश्योरेंस। तो HDFC लाइफ इंश्योरेंस के चेयरमैन है केकी मिस्त्री, इनको इनकी अपॉइंटमेंट को अप्रूव कर दिया है IRDAI ने। तो इस फैक्ट को भी हमें याद रखना है। तो आज के स्टैटिक जीके
ऑफ द डे में हम पढ़ने वाले हैं क्लासिकल लैंग्वेजेस इन इंडिया। अगर हम क्लासिकल लैंग्वेजेस की बात करें तो इंडियन क्लासिकल लैंग्वेजेस इज एन अम्ब्रेला टर्म फॉर द लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया हैविंग हाई एंटिक्विटी, वैल्यूएबल ओरिजिनल एंड डिस्टिंक्ट लिटरेरी हेरिटेज। तो एक एक टर्म हमें पता होनी चाहिए, हाई एंटिक्विटी, वैल्यूएबल हो, ओरिजिनल हो एंड डिस्टिंक्ट लिटरेरी हेरिटेज। तो सिक्स क्लासिकल लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज करता है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो इस पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि इंडियन क्लासिकल लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज कौन करता है। तो वहां पे आपको ऑप्शन आ जाएंगे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट। तो हमारा आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, जिसमें कि तमिल जो कि 2004 में इसको अकॉर्ड किया गया था क्लासिकल लैंग्वेजेस का स्टेटस। देन संस्कृत को 2005 में, 2004, 2005, देन तेलुगु को 2008 में, कन्नड़ा को भी 2008 में, मलयालम को 2013 में एंड ओडिया को 2014 में। तमिल 2004, संस्कृत 2005, कन्नड़ा 2008, तेलुगु 2008, मलयालम 2013 एंड ओडिया को 2014 में क्लासिकल लैंग्वेजेस का स्टेटस मिला था। तो इस पे हमने एक सेपरेट क्लास भी बनाई हुई है, इंडियन क्लासिकल लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पे हमने एमसीक्यूज भी इसके डिस्कस किए हैं। सो रूल्स एंड क्लासिकल लैंग्वेजेस बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लैंग्वेज शुड बी ओल्ड एंड सेल्फ मेड। तो लैंग्वेज पुरानी होनी चाहिए और सेल्फ मेड मतलब खुद से इसके वर्ड्स आए हुए। इट शुड हैव बीन स्पोकन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन विदाउट अ ब्रेक डाउन। इट शुड हैव अ लिटरेचर ऑफ इट्स ऑन, शुड सर्वाइव बाय इट्सेल्फ। तो ये रूल्स है क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस के बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसी के साथ साथ हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस के बारे में भी पता होना चाहिए। तो ओरिजिनली 14 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस थी इन 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, असामिस, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। देन 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुई 1967 में, जिसने सिंधी को एस वन ऑफ द शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस ऐड किया। देन 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ 1992 में, जिसने कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली को ऐड किया। देन 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003, जिसने बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथाली, तो जिसके साथ हुई 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस इन दी 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड इसमें इंग्लिश नहीं है, तो इंग्लिश इज नॉट वन ऑफ द शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस इन 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये भी फैक्ट हमें याद रखना है, इसमें इंग्लिश नहीं है। एंड बेनिफिट्स क्या है, कोई भी लैंग्वेज अगर 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आती है तो जो ऑल इंडिया कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है जैसे कि यूपीएससी, सबॉर्डिनेट सर्विसेज आर हेल्ड इन दिस लैंग्वेजेस। इट गेट्स फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर सेटिंग अप अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्टडी ऑफ दैट लैंग्वेज। ओपन्स अप एन एवेन्यू टू टू मेजर अवार्ड्स। तो दो मेजर अवार्ड्स उस लैंग्वेजेस पे ओपन होते हैं। सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ इंक्लूजन अंडर 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। So that is it for this daily current affairs session. Please like, share, subscribe, and comment your feedback. Thank you and best wishes for exams.